जनपद में टेम्परेचर अधिक होने से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस समय बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और लू के साथ बहुत तेज हवा चल रही है। यदि आवश्यकता न हो तो सुबह 11 बजे से 4 बजे तक बाहर घर से बाहर ना निकलें और पानी का अधिक से अधिक सेवन करें और सर को ढक कर रखें। कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से सलाह लें। उन्होंने कहा कि दोपहर में नगर निगम के द्वारा शेल्टर होम बना है, आप वहां रुककर आराम कर लें और धूप कम होने पर घर जाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। मेरा आम लोगों से, आम निवासियों से यह अनुरोध है कि इस समय अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, लू के थपेड़े भी चल रहे हैं, झंझावत चल रहा है, तो अगर बहुत आपको आवश्यक ना हो तो सुबह 11 बजे से सायंकाल लगभग 3-4 बजे तक आप यथासंभव घरों में ही रहें। मैं इसको पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि सुबह लगभग 11 बजे से सायंकाल 4 बजे तक, और यदि अत्यधिक आवश्यक है, इस दौरान आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है, तो आप पानी लगातार पीते रहें और सर को और सर के आसपास चेहरे को आप पर्याप्त ढके रहें। इसके बावजूद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ असुविधा महसूस हो रही है, कुछ शारीरिक समस्या महसूस हो रही है, तो आसपास जहां पर भी आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां आप संपर्क कर लें, या कहीं पर भी छाया हो वहां आप बैठ जाएं, पानी पिएं, आराम करें और लू से अपने आप को, स्वयं को बचाएं। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र में जगह जगह शेल्टर होम बने हुए हैं। मेरा ऐसे लोगों से अनुरोध है जो यात्रा पे गोरखपुर आए हों तो वो दोपहर के समय उन शेल्टर होम में चले जाएं और वहाँ विश्राम करें। ये संभवतः एक सप्ताह और ऐसी स्थिति रहेगी। मेरा अनुरोध है कि एक सप्ताह तक आप अपना बचाव कर लें जिससे आप सुरक्षित रहें।